आज मैंने कमेंट बॉक्स से दो क्वेश्चंस लिए हैं, यानी एक वीवर का क्वेश्चन है कि इन कंप्लायंस ऑफ क्या है, और दूसरे वीवर का क्वेश्चन है कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या फर्क है, कब हमें बोलना चाहिए मेक ऑफ और कब हमें बोलना चाहिए मेड फ्रॉम। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इन कंप्लायंस ऑफ का मतलब होता है के अनुसार, यानी अकॉर्डिंग टू। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सके। अगर आपको कहना हो मैंने अपनी चाचा की ख्वाहिश के अनुसार अपना नाम बदल लिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई चेंज्ड माई नेम इन कंप्लायंस ऑफ माई अंकल, यानी मैंने अपने चाचा के ख्वाहिश के अनुसार अपना नाम बदल लिया। मैंने यहाँ बोला इन कंप्लायंस ऑफ, अगर आप चाहे तो यहाँ ऑफ की जगह पर विद का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई चेंज्ड माई नेम इन कंप्लायंस विद माई अंकल, यानी मैंने अपने चाचा के ख्वाहिश के अनुसार अपना नाम बदल लिया। बॉस ने कहा आप सभी को नियमों के अनुसार काम करना पड़ेगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे बॉस सेड दैट यू ऑल हैव टू वर्क इन कंप्लायंस ऑफ रूल्स या इन कंप्लायंस विद रूल्स, यानी बॉस ने कहा आप सभी को नियमों के अनुसार काम करना होगा या काम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैंने बोला इन कंप्लायंस ऑफ, जिसका मतलब हुआ के अनुसार या के हिसाब से। यहाँ मैं आपको एक खास बात बता दूं, अगर आप चाहें तो इन कंप्लायंस ऑफ का इस्तेमाल सेंटेंस के शुरू में कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कॉमा से सेपरेट रखना होगा। जैसे यूट्यूब के शर्तों के अनुसार आप किसी के वीडियो को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन कंप्लायंस ऑफ यूट्यूब टर्म्स एंड कंडीशंस यू कैन नॉट रीयूज समवंस वीडियो, यानी यूट्यूब के शर्तों के अनुसार आप किसी के वीडियो को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि इन कंप्लायंस विद का इस्तेमाल मैंने सेंटेंस के शुरू में किया और इसके बाद मैंने दिया कॉमा। अगर आपको कहना हो आपके गुजारिश के अनुसार हमने आपको एक मेल सेंड कर दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे इन कंप्लायंस विद योर रिक्वेस्ट वी हैव सेंट यू अ मेल, यानी आपके रिक्वेस्ट के अनुसार या आपके गुजारिश के अनुसार हमने आपको एक मेल भेज दिया है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको यह टॉपिक शानदार तरीके से समझ में आया कि इन कंप्लायंस विद क्या है या इन कंप्लायंस ऑफ क्या है। आइए फ्रेंड्स अब दूसरा क्वेश्चन देखें कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या फर्क है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या फर्क है, यानी कई बार सेंटेंसेस में आप देखते हैं मेड ऑफ और कई बार देखते हैं मेड फ्रॉम, तो कैसे जाने कब हमें लिखना है मेड ऑफ और कब हमें लिखना है मेड फ्रॉम। तो यहाँ पर मैं आपसे कहूंगा कि इन दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो किसी एक चीज से दूसरी चीज बनाना, जैसे दूध से पनीर बनाना, लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लोहे से कुल्हाड़ी बनाना, ईंट से घर बनाना। तो जब हमें कहना हो किसी एक चीज से दूसरी चीज बनाना, तो वहाँ पर हम मेक ऑफ और मेक फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। अब गौर करने वाली बात यह है कि हम मेक ऑफ का इस्तेमाल तब करेंगे जब हम किसी चीज को उस नाउन से बनाएं जो वो सामान बनने के बावजूद भी अपनी वजूद नहीं खोती है, यानी दूसरा सामान बनने के बावजूद भी पहला सामान किसी दूसरे शक्ल में नहीं बदलती है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कहूँ लोहे से कुल्हाड़ी बनता है, तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुल्हाड़ी बनने के बावजूद भी लोहा लोहा दिखता है, यानी वो किसी दूसरे शक्ल में नहीं बदलता है। तो जब कंडीशन ऐसा हो तो हम वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं मेक ऑफ। लेकिन अगर हम किसी एक प्रोडक्ट से कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाएं और वो प्रोडक्ट बनने के बाद पहला नाउन अपना वजूद खो दे, यानी पहला नाउन किसी दूसरे शक्ल में आ जाए, तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं मेक फ्रॉम। जैसे मैं कह सकता हूँ दूध से पनीर बनता है, यानी जब दूध से पनीर बन जाता है तो दूध अपना वजूद खो देता है, वो किसी दूसरे शक्ल में हो जाता है। मैं कह सकता हूँ चीनी से मिठाइयाँ बनती हैं, यानी जब चीनी से मिठाइयाँ बनती हैं तो चीनी अपना वजूद खो देता है और वो किसी दूसरे शक्ल में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर हम मेक फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ताकि आप इस बात को अच्छा से समझ सकें। अगर मैं कहूँ घर ईंट से बनाया जाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, यानी घर ईंट से बनाए जाते हैं। यहाँ पर आपने देखा कि मैंने बोला मेड ऑफ क्योंकि ईंट से घर बनने के बावजूद भी ईंट अपना वजूद नहीं खोता है, यानी अपना पुराना शक्ल नहीं खोता है।
अगर आपको कहना हो कुल्हाड़ी लोहे से बनाई जाती है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द एक्स इज मेड ऑफ आयरन, यानी कुल्हाड़ी लोहे से बनाई जाती है। फर्नीचर लकड़ी से बनाई जाती है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, यानी फर्नीचर लकड़ी से बनाई जाती है। इन तीनों सेंटेंस में मैंने बोले मेड ऑफ क्योंकि इन तीनों सेंटेंस में पहले नाउन से जो दूसरा प्रोडक्ट बनाया गया तो वो दूसरा प्रोडक्ट बनाने के बावजूद भी वो अपना वजूद नहीं खोया, यानी वो किसी दूसरे शक्ल में चेंज नहीं हुआ, इसीलिए मैंने बोला मेड ऑफ। आइए कुछ एग्जांपल्स मेड फ्रॉम पर देख लेते हैं। चाय दूध से बनाई जाती है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे टी इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी चाय दूध से बनाई जाती है। अगर आपको कहना हो कि बर्फ पानी से बनाई जाती है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आइस इज मेड फ्रॉम वाटर, यानी बर्फ पानी से बनाई जाती है। अगर आपको कहना हो मिठाइयाँ चीनी से बनाई जाती है तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे स्वीट्स आर मेड फ्रॉम सुगर, यानी मिठाइयाँ चीनी से बनाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।